बजरंग दल की कार्यकारिणी का किया विस्तार। लालजी नगर स्थित गुजरी चौक के नए राम मंदिर परिसर में बजरंग दल की तहसील बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला सत्संग प्रमुख बसंत बघेले ने की। बसंत बघेले ने बताया कि लांजी व ग्राम भानेगांव के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को विधिवत रूप से बजरंग दल में शामिल किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को शिविर में बजरंग दल के तीन बिंदु सेवा, सुरक्षा व संस्कार, इनसे भलीभांति परिचित करवाया गया। कार्यकर्ताओं में लोगों के प्रति सेवा की भावना, आत्मरक्षा और युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित व संस्कारी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इन्हीं कार्यकर्ताओं से बजरंग दल की तहसील कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। सत्संग प्रमुख बसंत बघेल जी, जिला मिलन प्रमुख लेखराम खरे एवं प्रखंड किरणापुर मंत्री विजय कुथे की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक का विषय लांजी प्रखंड के कार्यकारिणी का विस्तार करना था। इसमें विश्व हिंदू परिषद प्रखंड लांजी के कुछ नामों की घोषणा की गई है। यह नाम निम्न है: प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुथे, प्रखंड उपाध्यक्ष अर्जुन नागपुरे, प्रखंड मंत्री शैलेंद्र चोरनेले, प्रखंड सहमंत्री विकास कालबेले, प्रखंड संयोजक जीतू बेंद्रे, प्रखंड सहसंयोजक झनकार रामटेके, गौरक्षा प्रमुख योगेश वर्मा, प्रखंड अर्चक पुरोहित प्रमुख शैलेंद्र मिश्रा, प्रखंड गौरक्षा अनमोल वध जी, प्रखंड मिलन प्रमुख मनोज ठाकरे, प्रखंड विधि प्रमुख समय मुरकुटे को लांजी कार्यकारिणी का दायित्व दिया गया। इस कार्यक्रम में अशोक कुथे, अर्जुन नागपुरे, शैलेंद्र चोरनेले, विशाल कालबेले, जीतू बेदरे, झनकार रामटेकर, योगेश वर्मा, शैलेंद्र मिश्रा, अनमोल बाग, मनोज ठाकरे, सौम्य मुरकुटे आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? बसंत बघेले जी। विश्व हिंदू परिषद जी, आज जो बैठक रखी गई थी, ये किस आहुत में बैठक रखी गई थी? आज लांजी प्रखंड और लांजी के चारों खंड की विस्तार के लिए आज बैठक रखी गई थी, और इस बैठक में कुछ नए दायित्व भी दिए गए और एक टीम का यहाँ गठन किया गया है जो हिंदू समाज के लिए आगे आकर काम करेगी। कार्यकारिणी क्या बताई गई आपके द्वारा बैठक में? क्या कार्यकारिणी जो गठित किए हैं आपने, उनको कार्यकारिणी क्या बताई गई? कार्य हाँ। संगठन के कार्य में, संगठन के जैसे अपने गौ सेवा हो गया, गौ की रक्षा हो गया, और हिंदू संस्कृति की जो सभ्यताएं हमारी लुप्त हो चुकी थी और कई तरीके से लुप्त हो रही है, इन सभी सभ्यताओं को जागृत करने की उनके अंदर भावना डाली गई, धार्मिक भावनाओं को अपने कर्तव्यों में धारण करने के लिए इनको संदेश दिया गया, और हिंदू समाज को जगाने के लिए और सभी हिंदू भाइयों को हिंदुत्व की भावना और हिंदुत्व की संस्कृति से ओतप्रोत करवाने के लिए इनको सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया, और ये अपने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता का जागृत करने के लिए आगे आए। ठीक।